नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस मोटो हब में। तो फाइनली भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो का हो चुका है ग्लोबल एनकैप में सेफ्टी रेटिंग टेस्ट, और यहाँ पे गाड़ी ने भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है बिकॉज 5 स्टार रेटिंग पूरी आ चुकी है इस गाड़ी की। और यहाँ पे भाई जो चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग आई है वो केवल 3 स्टार आई है, लेकिन गाड़ी ने जो ओवरऑल परफॉर्म किया है, इनफैक्ट अगर साइड पोल, फ्रंटल इंपैक्ट और बैक इंपैक्ट की बात करें तो गाड़ी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म यहाँ पे किया है। सब तरफ से इस गाड़ी को भाई तारीफ ही तारीफ देखने को मिल रही है। और अगर इस गिवन फ्लो चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर एरियाज में इसको गुड इम्पैक्ट ही देखने को मिला है। इसका मतलब गाड़ी की बिल्ड में कोई भी यहाँ पे कमी नहीं है महिंद्रा की तरफ से। तो दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो को अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आप अभी इसका साइडल इम्पैक्ट भी ज़रूर देखिएगा और देखते हैं इस गाड़ी ने कैसा क्या परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई 50 की स्पीड से ये रैंप इसकी तरफ आ रहा था और गाड़ी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट इसकी जो बिल्ड है, मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि साइड वाली जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें भी कोई भी कमी नहीं है, और महिंद्रा ने ये बहुत बढ़िया तरीके से भाई करके दिखाया है। और इस वाले ग्लोबल एनकैप टेस्ट में आपको बता दें कि भाई मारुति ने भी अपनी 3-4 गाड़ियाँ भेजी हैं, तो उसमें उन्होंने केवल और केवल 1 स्टार रेटिंग ही हुई है, जैसे स्विफ्ट और आपकी एस्प्रेसो और इग्निस। तो मेरी समझ में उसको देखते हुए तो महिंद्रा ने काफ़ी अच्छा काम किया है अपनी स्कॉर्पियो के अंदर। इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं ताकि आपको एंड तक गाड़ी के जितने भी इम्पैक्ट्स हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब ये गाड़ी पोल से टकराई तो इसके सारे एयरबैग्स साइड के इनफैक्ट कर्टेंस वाले ओपन हो गए हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी वाले सारे टेस्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो को एंड तक आप भाई ज़रूर देखना। मेरी समझ में स्कॉर्पियो एन बायर्स के लिए और जो अभी तक ले चुके हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ चुकी है ये, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल गाड़ी ने बहुत ही अच्छा एक कंट्रोल बना के रखा है। कोई भी इम्पैक्ट हो गाड़ी सच में काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बोनेट में अगर टेस्ट करें तो सच में बोनेट में इतना भारी गिराने के बावजूद भी काफ़ी कुछ सेफ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बम्पर भी कितना बढ़िया ही है, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है इस गाड़ी का। तो भाई वीडियो को यहीं तक रखते हैं, होपफुली आपने सारी जानकारी ले ली होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल पीएस मोटो। जय हिंद।